सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गुरमीत जी एन किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। गर्मियों का मौसम आ गया है और गर्मियाँ है, ठंडी ठंडी शिकंजी की तो जरूरत पड़ती है, तो आइए आज हम ठंडी और फ्रेश शिकंजी बनाते हैं। मैंने जीरे को भूनकर पीसकर पाउडर बना के रख लिया है। काली मिर्च को भी मैंने पीसकर रख लिया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काला नमक लिया है, ड्राई जिंजर पाउडर लिया है, सौंफ को बारीक पीस कर रख लिया है। ये हमारा नॉर्मल खाने वाला सफ़ेद नमक है। अब हम इससे शिकंजी का प्रीमिक्स बनाते हैं। प्रीमिक्स बनाने के लिए मैंने भुना जीरा पाउडर 1 चम्मच, 1/4 चम्मच जिंजर पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच सौंफ पाउडर, 1/2 चम्मच काला नमक और स्वाद के अनुसार सफ़ेद नमक लेके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हमारा प्रीमिक्स रेडी है। यहाँ मैंने फ्रेश पुदीने के पत्ते लिए हैं, उसे धोकर मैंने रख लिया है। शिकंजी बनाते समय इसे क्रश कर लेंगे। फिर लिए मैंने यहाँ पर नींबू को काट कर रख लिया है और चीनी को बारीक पीस कर रख लिया है। अब हम शिकंजी बनाएंगे, उसके लिए मैंने 1 गिलास में 2 चम्मच शुगर पाउडर, 1/2 चम्मच प्री मिक्स और 8-10 पुदीने पत्ते क्रश करके डाले। इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर मैंने इसमें क्रश की हुई आइस डाली है। अब इसमें डालेंगे सोडा। सोडा डालने के बाद इसमें 1/2 नींबू निचोड़ देंगे। और इसे मिक्स करके पुदीने के पत्ते और लेमन स्लाइस से सजा देंगे। ये हो गई हमारी ठंडी और फ्रेश शिकंजी तैयार। आप भी ट्राई करें और कमेंट करना ना भूलें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जी आनो।